और गाइस, मैं बात करने वाला हूँ कशफ अली की। कशफ अली, मैं आ रहा हूँ, बच के जरा। ठीक है, ये लो, कशफ अली। पता ना कौन है? वो जो ठीक है ठीक है करके वायरल हो गया था ना, जो वीडियो, उसकी बात कर रहा हूँ। अब इसके वीडियोस पे चार चार कमेंट आते हैं, तो शायद देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रही, ये देखो। पहले तो मेरे को पहचान में नहीं आई, मेरे को इस फोटो से पहचान में आई, ये देखो, इस फोटो से पहचान में नहीं आई, फिर इस फोटो से बिल्कुल ही पहचान में आ गई। ये फोटो है, ठीक है ना, ये बंदी, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, इसका एक लेटेस्ट वीडियो है, उससे से मेरे दिमाग में आया कि मैं ज़रा इसको करूँ, ज़रा सेट करूँ बच्चे को, राइट। कश्यप बहन, ये वीडियो थोड़ा सा ज़रा बिटर होने वाला है, ध्यान से सीख, देखना। सरप्राइज देना था मुझे। आई थिंक आई शुड कीप इन्फॉर्मिंग यू गाइस अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि तभी चीज़ें ठीक रहती है। मतलब ये क्या हुआ है मेरे साथ? मैं आप लोगों को सरप्राइज देने वाली थी कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया था और आई मिस्ड माई फ्लाइट। मिस फ्लाइट, फ्लाइट मिस करना, मिस फ्लाइट मिस करना अच्छी बात होती है। आप इसमें शर्मा के बोलोगे, अचीवमेंट है आपकी कोई इसमें? ठीक है ना, तो अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। तो नहीं, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम इनडिसिप्लिन्ड हो, इमेच्योर हो, पैसे की भी कदर नहीं है, टाइम की भी कदर नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा। इसको कुछ अच्छे कामों में यूटिलाइज करो तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आप एक ऐसे लोगों के लिए जो बिना बस रीले बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और उसको एक पैसा नहीं बनता ना, उनको पैसा बनाना आता है, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं था। बट किस्मत को दोष मत दो, किस्मत को दोष मत दो, और ऊपर वाले को भी मत देना, ठीक है ना। दोनों ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में है, उस पर ध्यान दो। ठीक है, सरप्राइज देना था मुझे। सरप्राइज तो तुम कैसे दोगे? फेसबुक पे वायरल वीडियो डाल के, फेसबुक वायरल वीडियो डाल के सरप्राइज दोगे? बहुत अच्छी बात है जी। आई थिंक आई शुड कीप इन्फॉर्मिंग यू गाइस अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि क्यों गाइस, जो आप सुन रहे हो ना इसकी बातें, ये सारे बंदे जो आप उसके इसकी इसकी वीडियोस देख रहे हो, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। मैंने वीडियो बनाया कि जल्दी जल्दी शादी कर लो 22-23 साल की उम्र में। मैं इस मामले में पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि वहाँ पे एक जनरल ट्रेंड है कि 22-30 साल की उम्र में लोग शादियाँ कर रहे हैं। एंड दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ, दैट्स वेरी गुड फॉर फेमिलियल हेल्थ एंड इकोनॉमिक हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ के लिए भी। लोगों को मालूम नहीं है कैसे, राइट, थोड़ा सा, बट ये कि दे वेस्ट ऑल ऑफ टाइम हियर एंड देयर एंड दे कीप लुकिंग फॉर अननेसेसरी स्टफ। अगर वो टाइम सिर उठा काम की चीज़ें करें तो शादी करना विल डेफिनेटली वर्क टू देयर एडवांटेज एट द एज ऑफ 22-23 इटसेल्फ। ठीक है ना, तभी चीज़ें ठीक रहती है। मतलब ये क्या हुआ है मेरे साथ? मैं हमारे साथ ये हुआ है कि तुमने प्लानिंग नहीं की, टाइम से घर से चले नहीं, 2 घंटे का बफर नहीं रखा एयरपोर्ट जाने के लिए, ये सब हुआ है। ठीक है, तो ये है सारी बात। ठीक है कशफ, समझ में आई क्या हुआ है? अगला वीडियो देखते हैं। ये देखो, जिन लोगों के वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गाइज, गेट मैरिड, गेट अ लाइफ, ठीक है, एंड गेट मैरिड, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो लड़कियाँ, ये जो लड़की है जो आपको पसंद आ रही है ना, जिस रीज़न से, वो समझ रहे हो, मैं कि मेरे को पता है उस रीज़न का, उसको मैं भी समझा रहा हूँ तुम्हें, राइट। जितना मर्जी कह लो, अरे मेरी फ्रेंड हो, अरे यार सेंडिंग लव टू यू, मुझे पता तुम क्या भेजना चाहते हो और क्या रिसीव चाहते हो, मुझे उतरफ हो जाए, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बता रहा हूँ। तो और ये सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप शादी कर लो। आज मैं शादी के पीछे पड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैं ये सब समझा रहा हूँ कि शादी कर लो टाइम से, ठीक है ना। कहीं किसी ने पूछा किसी ने पूछा था एक्चुअली डबल इनकम नॉकेट्स के बारे में, मैंने स्टार्ट कर दिया कि डबल इनकम जल्दी जल्दी करो एंड 22 साल की उम्र में शादी कर लो। ठीक है, ये लो, ये बंदी देखो, ये देखो, कोई बात बोलेंगी तो पता चलेगा, देखिए क्या बोल रही है। अमी है, ये अमी है, कोई और वीडियो निकालता है, इसमें बड़ा कुछ बोलती है भाई, बड़े वीडियो में है ना। अरे ओ माय गॉड, ये बंदी पिज्जा डिलीवरी करती है अब, शी इज अ पिज्जा डिलीवरी लेडी नाउ, ओ तेरी दी, आई डिडंट नो दैट। ये देख लो, बिल्कुल सही है। ये क्या होता है,
एक कंट्री में ना कुछ स्टेजेस बनी हुए हैं। वन टू बंदा आता है पिज्ज़ा डिलीवरी किसी भी काम में फंसता है, 2 सालों बाद किसी और काम में, उसकी डिग्री आई थी फिर कुछ और काम में, कुछ अच्छी जॉब मिलती है। ये सारी चीज़ इंडिया में भी ऐसे हो सकती है राइट। इंडिया में बंदा कई बार कॉल सेंटर जॉब करता है ड्यूरिंग कॉलेज, फिर कॉलेज से निकलता है, फिर अच्छी जॉब करता है, फिर वो बढ़ता चले जाता है। इन सभी चीज़ों में इंडिया और अमेरिका में एक फ़र्क है। इंडिया में इवेंचुअली ना जाके आपके इवेंचुअली एक दिन मेड आने लगेगी, लाइफ में थोड़ी आपको फ्रीडम मिलेगी टाइम वाइज, और अमेरिका में कभी नहीं होगा। मिडिल माइनस लाइफस्टाइल, सारी जिंदगी चलेगा, सारी जिंदगी चलेगा। यस, और ये कशफ तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, ठीक है कशफ तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम अपनी लाइफ का कुछ करो। ये लड़कों को इधर उधर भगाने से अच्छा कोई ऐसा काम करो उसमें कुछ पैसा बन जाए। ये पिज्जा डिलीवरी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। ये मत मुझे बयान देना, मुझे बयानबाजी मत करना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं था। मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए ठीक नहीं है। आप पढ़ने पढ़े लिखे बंदी हो, दिमाग लगाओ, प्रॉब्लम्स को नोट करो, उनसे छुटकारा लो और पैसे कमाना स्टार्ट करो। और ये सब चोंचलेबाजी कबूतरबाजी बंद करो, ठीक है। ये मेरा सेंट्रल मैसेज है। मैं पहले हंस रहा था ना आप, इसलिए हंस रहा था, मुझे पता मिस्टेक्स कर रहा हूँ। मिस्टेक्स को दूर करने के बाद आपको सोल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम ठीक तरह से, ठीक है। ये सारे वीडियो से ग्लैमराइज होते हैं लोग। क्या पाकिस्तान में इस तरह की फालतू बातें मत करो, प्लीज़ समझो इन बातों को। गाइस तुम नोट करो, पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करती है। सोचो चंडीगढ़ पंचकुला में आपके शहर में पिज़्ज़ा डिलीवरी के बंदे कौन होते हैं, वही है और ये वैसी है। पर यह है कि थोड़ा बस वही फ़र्क है, मर्सिडीज़ है बेड नहीं है, समझ गए, याद है तो। और ये भी मैंने बोला क्लास 4 के लिए तो लाइफ इज़ वेरी गुड हेयर। तो क्लास 4 देखो, अब थोड़े दिन के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हो सकता, पिज़्ज़ा स्टोर ही खरीद लेगा, बड़ी बात नहीं है। 100K 50 60K में पिज़्ज़ा स्टोर 100K में आ जाता है, वो खोल ले और देन बढ़िया पैसे कमा ले, 10-12 हज़ार डॉलर पर मंथ पर पर्सन, जो मेरा नंबर है वो कमा ले, दैट्स इट। बट उसके ऊपर फिर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मिडिल माइनस ये चीज़ देख के ग्लैमर। अब तो ये बड़ी, ये तो भंगन क्लास है, यहाँ पे तो बहुत ही लोअर क्लास है ना, क्योंकि देखो स्टूडेंट वीज़ा पे है एंड ऑल दैट स्टफ। अभी इसको कुछ कमा भी नहीं रही ना, इसको समझ आया अभी तो, वो 10-12 हज़ार का जो नंबर है वो भी नहीं कमा रही, वो है मिडिल माइनस, से तो कुछ भी नहीं है फिरते तो। लेकिन फिर भी ये बंदी देखो मतलब आपको कैसे ग्लैमराइज कर रही है। तो आप प्लीज़ बच्चों ग्लैमराइज मत होइए, समझिए इस बात को। सामने सामने तो जो काम कर रही है देख तो लो क्या काम कर रही है, थोड़ा सा अपने माइंड में सोचो एक बार कि कर क्या रही है। इसका एक वीडियो है मुझे याद है, अरे सच में वीडियो, इसका एक वीडियो इसमें से बोल रखे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ध्रुवराठी अगर पाकिस्तानी होता ना तो उसे उसे डंडे पड़ते। पाकिस्तान की इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी, मजा चीज है यार। यार मुझे बोला ढूंढना, मैं जरा पॉज करके ढूंढ। कशम मैंने बहुत ढूंढा एक वीडियो जिसमें ना तुमने ना कभी कोई काम वाम कर रहे थे, किसी बंदे ने कुछ कमेंट किया हुआ था, तुमने बर्तन मांजे हो घर के अंदर और तुमने इस तरह की बातें बोली हुई कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, किसी ने लिखा हुआ था जा जाके बर्तन मांज, तो आपने उसको भी जवाब दिया हुआ था। बच्चों बिल्कुल रियलिटी है, ये ऐसा ही है जैसे। और कशम तुम समझो कि काम छोटे बड़े होते हैं, सॉरी काम छोटे बड़े होते हैं, फॉर हर हर काम हर के लिए नहीं होता, काम छोटे बड़े होते हैं, ठीक है ठीक है, समझो थोड़ा सा इस बात को। और तो थोड़ा बड़ा काम करने की तरफ नज़र डालो जरा, और पैसे कमाने की तरफ नज़र डालो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नाउ सिंस यू आर इन अमेरिका। आपको पैसे बनाने हैं, अगर आप मेरे फॉर्मूले को फॉलो नहीं करोगे तो आप पैसे नहीं बना पाओगे, फिर आप सारी जिंदगी बस इसी में फंसे रहोगे, इन्हीं प्रॉब्लम्स में। वेयर एज यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू यूटिलाइज इट यू कैन रियली डू वेरी वेल, ठीक है। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं एंड करता हूँ, आप इसको वॉच करना और फिर मुझे कमेंट देना, फिर होएगी जरा लाइक ना, ठीक है, ओके जी बाय।